हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए मवेशी के पुल के गिरने से वीडियो से पशु प्रेमियों में खासा नाराजगी है। ये वीडियो नागपुर के पहाड़ी इलाके का बताया जा रहा है, जहां के पुल से संतुलन बिगड़ने पर गायें नीचे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति अगर नीचे गिरता है तो उसके जीवित रहने की संभावना ना के बराबर होती है, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी गाय जिंदा है। इस घटना से नाराज नागपुर के जिला प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समिति की सदस्य करिश्मा गलानी ने पहाड़ी पुलिस में पशु क्रूरता के तहत मामले की शिकायत दर्ज की है, जिसका संज्ञान लेते हुए पशु के मालक पर पशु क्रूरता अधिनियम 268, 289, 290 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जिस पुल से गाय नीचे गिरी वहां के कॉन्ट्रैक्टर को भी नोटिस दिया जाएगा। इस मामले में पावर ऑफ वन न्यूज़ ने एनिमल एक्टिविस्ट डॉक्टर जैदल पनैत से जानी उनकी प्रतिक्रिया। हाल ही में हम देख रहे हैं कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जिसमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन पिलर पे एक गाय है और वो गाय करीबन 30-40 फुट से नीचे गिरती है और वो बेजुबान जानवर जो अपनी व्यथा किसी से बोल नहीं सकती है, वो जिस पीड़ा से और जिस कष्ट से गुजर रही होगी वह हम मनुष्य इतनी मानसिकता होने के बावजूद समझ नहीं पाते। जो वो गाय के ओनर है या वो गाय जिस व्यक्ति ने पाला है, उस व्यक्ति पे एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के अंतर्गत एक्शन लिया जाना चाहिए और ये जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि वो गाय उस ब्रिज के ऊपर आई कैसे। उसका भुगतान, उसका दंड उस जानवर के मालिक को मिलना चाहिए जिसकी लापरवाही के वजह से, जिसके इग्नोरेंस, जिसके नेग्लिजेंस के वजह से वो गाय को इतनी तकलीफ हुई है, जिससे फ्यूचर में कोई अपने जानवरों को, कोई अपने पशु और पक्षियों को इस तरीके से व्यवहार ना करे। फेमिना मिस इंडिया की सुंदरता प्रतियोगिता में नागपुर की दिशा पाटिल ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाकर नागपुर के साथ साथ महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं कैसा रहा ये सफर खुद मिस इंडिया टॉप 5 दिशा पाटिल से। मैम, आपके इस जर्नी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपके जर्नी में क्या आया है? तो एक होता है ना मोमेंट, डिफिकल्ट मोमेंट, कि जब आपको लगा कि मैं शायद हार जाऊंगा। डिफ़िकल्ट मोमेंट मतलब जब मैं वहाँ पे जर्नी के लिए गई तो हमें एक 40 डेज का ग्रूमिंग दिया गया। जब हम 40 डेज हम उन सारे स्टेट विनर्स के साथ हम वहाँ थे एंड वी वर स्टेइंग टुगेदर, तो हाँ जर्नी में बहुत बार ऐसा लगता है, बहुत एक डाउन फेज आता है जब लगता है कि आई कांट डू इट, आई कांट मेक इट, क्योंकि बाकी लड़कियाँ बहुत अच्छी है, बहुत प्रिपेयर्ड है, तो वो एक कॉम्पिटिशन फेज आ जाता है। पर आई थिंक दैट्स वाई आई वॉज देयर एंड आई वॉज देयर टू लर्न। तो मैंने हर एक लड़की से बहुत सारी मतलब कुछ ना कुछ मैंने सबसे सीखा है एंड उसी को मतलब आई वुड से कि दैट वाज द पॉइंट जब मुझे लगा कि हाँ मैं सीख सकती हूँ और मैं आगे जा सकती हूँ। और एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था स्टेट के मतलब इंडिया के हर एक स्टेट से एक एक लड़की के साथ रहने का और उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस को जानने का। सो आई रियली एंजॉयड द जर्नी। इसी फील्ड में आगे जैसे कि मैंने कहा मैं एक साल से मुंबई में रह के मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, मॉडलिंग एंड एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो वही मेरी सेम एक्सपेक्टेशंस होंगी आफ्टर इवन आफ्टर मिस इंडिया। आई थिंक अभी आई एम होपिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और मुझे बेटर चांस मिले इस फील्ड में आगे। सो अभी आई एम ट्राइंग फॉर दैट। अब मैं मुंबई में वही कर रही हूँ और जो जैसे मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम करना शुरू किया है तो उनके थ्रू भी मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जिसके लिए आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट फ्रॉम मुंबई। अगर आगे जाके आपको बॉलीवुड से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसमें ट्राई करोगे? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं मॉडलिंग और एक्टिंग में जाना चाहती हूँ, उसमें मैं अपना करियर करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आई विल गो फॉर इट। सावन का महीना शुरू हो गया है और उसी के चलते नागपुर से पचमढ़ी नागद्वार की यात्रा 23 जुलाई से शुरू हो गई है। कोविड की वजह से 2 साल ये यात्रा बंद थी, लेकिन इस साल से इस यात्रा की फिर से शुरुआत हो गई है। इस यात्रा को श्रद्धालुओं का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसी सिलसिले में पावर ऑफ वन न्यूज के साथ कुछ जानकारियां साझा की है अक्षय तांबेकर ने, जो की है वहाँ के वाहतुक निरीक्षक। आइए जानते हैं क्या कहना है अक्षय तांबेकर जी का। मेरा नाम है श्री अक्षय तुलसीदास तांबेकर, मैं गणेशपेट डेपो पे वाहतुक निरीक्षक ये पद पर कार्यरत हूँ। सर, सावन का महीना चालू हो गया है और इस सावन के महीने में
नागद्वार जो है पचमढ़ी वहाँ की यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल ये यात्रा स्थगित है, अभी शुरू हो गई है 22 जुलाई से, तो इस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? 22 जुलाई से यात्रा शुरू हुई है, उस तरीके से 23 तारीख से हमने स्पेशल यात्रा बसेस की नियोजन किया है, स्पेशल यात्रा बस का नियोजन किया है। हमारे यहाँ से 2 डेपो मिलाकर, एक गणेशपेट डेपो और दूसरा घाट रोड डेपो, ये दोनों डेपो द्वारा कुल मिलाकर 10 बसेस छोड़ी गई है। हमारे यहाँ डेपो से 10 बसेस डेली नागद्वार पचमढ़ी के लिए जाती है और उसका टाइमिंग जो है वो 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक बसेस रहती है, हर आधे घंटे पे इस तरीके से 10 बसेस हमारे गणेशपेट डिपो से नागद्वार के लिए छोड़ी जाती है। अभी 2 साल की गैप के लंबे गैप के बाद कोविड और उसके बाद बारिश ना होने के कारण यात्रा नहीं 2 साल से नहीं हो पाई थी, तो अभी कंडीशन खूब बहुत अच्छी है और श्रद्धालुओं द्वारा 2 दिन पहले ही गाड़ी की बुकिंग यानी रिजर्वेशन हो रहा है और गाड़ी के हम यात्रियों को देखते हुए और उनकी सुविधा को देखते हुए कि वो समय पर वहाँ पहुँचे और उनके अच्छे तरीके से नागद्वार में दर्शन हो, उस तरीके से हमने शाम 5:30 बजे से लेके 10 बजे तक के हर आधे घंटे में हमारे 10 बसेस जाती है और हर एक बस में 42 की कैपेसिटी में यहाँ से भाविक जा रहे हैं। जो भी भाविक भक्त जाते हैं हमारे यहाँ से, उनको हम मास्क लगाने के लिए और समय समय पर सैनिटाइज़र यूज़ करने की उनको हिदायत देते हैं। दोनों जो हमारे डेपो है, घाट रोड डेपो और गणेश पेट डेपो, दोनों डेपो द्वारा स्पेशल काउंटर लगाए गए हैं और वो स्पेशल काउंटर्स पे उनके टाइमिंग अनुसार वहाँ पर गाड़ी का रिजर्वेशन किया जाता है और प्रति व्यक्ति हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन का जो चार्ज है वो 380 रुपये लिया जाता है और जो सीनियर सिटीज़न होगा और या फिर कोई छोटा बच्चा है जो जिसको कंसेशन में आता है उसको उस तरीके का कंसेशन हमारे द्वारा दिया जा रहा है। वहाँ से भी छूटने की टाइमिंग हमारी जितनी बसें यहाँ से जा रही है वही वहाँ से छूटती है, उसके टाइमिंग भी 5 बजे से चालू होते हैं और रात के 9 बजे तक के वही बसेस फिर वहाँ से पैसेंजर्स को लेकर रिटर्न आती है। सभी भाविक भक्तों से निवेदन है कि राज्य परिवहन महामंडल की ओर से आयोजित किए गए इस बस सेवा का आनंद उठाएँ और हमें भी सेवा का मौका दें। धन्यवाद।